साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं। हमारा कोई कमाल नहीं, बस किस्मत ये हमारी। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर बंदा पूरी जिंदगी इस चीज का शुक्र अदा करे ना कि अल्लाह करीम ने उसके पैदा होने से 50,000 साल पहले उसकी किस्मत में नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती होना लिखा था, बंदा पूरी जिंदगी इस चीज का शुक्र अदा करे नहीं कर सकता। फिर हम क्यों ना कहें कि साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये शान है या ये आपकी शान है। उसने कहा है कि क्या आपकी शान है, क्या तुम्हारी शान है। क्यों उसने सस्पेंस डाला है कि ढूंढते रहो क्या शान है। ठीक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए वो भी बेबस होकर यही कहता कि क्या शान तुम्हारी है। अगला शेर और बड़ा प्यारा शेर, क्या पेश करूं तुमको चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है। फिर ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। अच्छा, अगला शेर और प्यारा शेर है, इससे भी प्यारा शेर है। उसमें ये एक दर्द वाला शेर है, ये हमारा दर्द होना चाहिए फिर हमारा काम बनेगा। क्या हम छोड़ के डरते रा, जाए तो कहां जाए, हम छोड़ के डरते तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। अभी हुस्ने मुस्तफा का जिक्र, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जमाल का, चेहरा तेरा दिलकश है, और सूरत तेरी प्यारी है।
करीम हम सबको हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। फिर होता क्या है कि जिसने भी तुम्हें देखा सो जान से वारी है। आखिरी शेर इस नात का और ये अर्ज वाला शेर है। गोलाख बुरे हम गए पर या रसूल अल्लाह कहलाते तो तुम्हारे गए। लाख बुरे हम गए पर या रसूल अल्लाह कहलाते तो तुम्हारे गए। अच्छा ये दावा है। अभी अगली बात, एक नजरे करम करना एक नजरे सारे अर्ज कर लीजिए। एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी है। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। एक नजरे करम करना